14.7 का एवरेज आ रहा है यार, तो ये तो पक्का नीचे से रगड़ जाती अगर आपने ये डाला। भाई सोच के देखो, जिस फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हो वो अचानक से iPhone 14 में तब्दील हो जाए, बदल जाए, तो बिल्कुल सही, आपको मिल सकता है iPhone 14, वो भी मात्र ₹1 में। तो वीडियो पूरा देखते रहना क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको ये तरीका। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं जी, गुड आफ्टरनून हो रहा है क्योंकि 1:09 और हम रेडी हो चुके हैं नहा के। हमारे साथ जो भाई दूसरा तीसरा भाई है वो अभी तक तैयार नहीं, मतलब उसके रूम में नहीं जा सकते, वो थोड़ा अर्धनंगन अवस्था में है। अर्धनंगन क्या होता है? कुछ सबको पता है। तो अभी यहाँ से प्लान है कि अभी यहाँ से थोड़ा रेडी वेडी होके, मिरर है ना तो हम लोग दोनों सामने यहाँ पे खड़े, अभी रेडी वेडी होके यहाँ से अपन निकलेंगे सीधे कहाँ, रावत की कचौड़ी खाने। उसके अलावा भी बहुत सारे सामान लेने हैं। और क्या लेना है? घर से सामान लेके नहीं देना, जान संभाल दें उनको। ओके, तो ये वाला काम इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज भाई की जान हमें बहुत प्यारी है, तो हम वो सारे चीजें खरीद लेंगे जो भाई के घर वालों ने भाई को कहा है, ठीक है, और हमें भी कुछ अच्छा लगा तो हम भी खरीद लेंगे। बाकी जयपुर में अमेजिंग यार, कल का सैटरडे नाइट बहुत अमेजिंग था, मतलब मैं याद नहीं था, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे याद था, बट भाई गुड़गांव से ज्यादा मुझे, मतलब एक्चुअली यहाँ पे ना सैटरडे नाइट स्पेंड करने में बहुत मजा है, बहुत दिनों बाद बहुत ताबड़तोड़ पार्टी की, बहुत 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 सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से मिले। तो जयपुर तो यार मैंने तो ये सोचा है कि भाई अपन ना जब भी टाइम मिलेगा ना तो अपन एक चक्कर जयपुर का मार लेंगे, ज्यादा दूर भी नहीं है और भाई वीकेंड के टाइम तो हैपनिंग है भाई, हैपनिंग। नाहरगढ़ फोर्ट नहीं जा पाए क्योंकि कल हम थोड़ा ना लेट वेट थे, पर ठीक है यार, नेक्स्ट टाइम जयपुर कौन सा दूर है। तुम देख रहे हो, तुम ये तुमसे बात कर रहा हूं, अपने फेस पे लग रहा हूं। मैंने तो अपना सामान सबसे पहले पैक करके रेडी वेडी हो गया, अज्जू का भी पैक्ड है, लेकिन ये है ना तीसरे, क्या हो गया भाई, अभी हुआ अरे सबसे लेट भाई, मेरा भाई कितना झूठा आदमी यार। भाई मैं अभी भी वो लोग रेडी नहीं है जो वो बोल रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे थे, बट ठीक है भाई है, बोल सकते हैं, खुल जाना यार, खुल जा सिमसन की तरह। अरे देखो कितना बेवकूफ आदमी है यार, बंद हो गया क्या मैं लिफ्ट में, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में इतना टाइम, अच्छा तो पैदल ही आ जाता भाई। तो फिलहाल गाड़ी में आ गए, गाड़ी को एकदम भाई इतनी ज्यादा गर्म है, इतनी ज्यादा तो आपको ब्लोअर का आवाज आ रहा होगा, बिकॉज गाड़ी सही में बहुत ज्यादा गर्म है। अभी यहाँ से जो अपना रेंज दिखा रहा है वो सिर्फ 120 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, मतलब इतना फ्यूल हम फूक चुके हैं, और 250 किलोमीटर में सिर्फ 123 दिखा रहा है। और ये कौन से मोड पे, अरे नॉर्मल मोड पे यार, ये भी स्पोर्ट्स मोड पे स्टार्ट हो रहा था, अभी नॉर्मल मोड लगा दी, इको प्रो। हाँ यहाँ से 280 किलोमीटर अपना घर 4 घंटे दिखा रहा है, मतलब सोचो हाईवेज कितने अमेजिंग होंगे भाई, ओवर स्पीड नहीं करेंगे, आराम से स्पीड लिमिट में चलेंगे, ऐसा प्रण करके चलते, देखते प्रण कितना सक्सेसफुल होता है। बाकी अभी शायद अपन जा रहे हैं रावत, यहाँ की ना कचौड़ी बहुत फेमस है यार, और भाई को घर से ऑर्डर मिला के कचौड़ी लेके आना, तो अपन भी एक दो उठा लेंगे भाई और एक दो खा भी लेंगे। ऐसे सुबह हमने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था, मतलब हल्का फुल्का ना वो मंगाया था, मतलब पोहा चाय ये मंगा लिया था, वो जोमैटो कर लिया था, एयरबीएनबी पे था, 12,000 रुपये का अपना 2 रूम था 2 दिन के लिए, मतलब पूरा फ्लैट था, 12,000 रुपये में मिला था, काफ़ी अच्छा, मतलब अपना स्टे एक साथ था। अभी होटल में क्या ना कि 2 अलग अलग रूम रहता, कभी इस रूम से उस रूम, ये पूरा घर वाला फील आ रहा था। और वीकेंड के लिए ना, मतलब अगर आपको वीकेंड स्पेंड करना है ना तो मतलब ठीक ठाक रहता है यार, अब अकेले जब ट्रैवल करते हो तो इतना बड़ा घर लेके कोई फायदा नहीं है। अभी यहाँ से निकलते, कुछ भाई लोग आए थे, बहुत सारे, इनफैक्ट कुछ नहीं, बहुत सारे भाई लोग थे, वो सुबह से इंतजार कर रहे, भाई हम सुबह उठे ही नहीं, हम तो सुबह सोने गए थे। तो भाई अज्जू भाई को कुछ सामान उठाना है शायद, तभी यहाँ पे रुके हैं, तो चलो वेट करते हैं। और भाई जब तक भाई को यहाँ पे टाइम लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू आईफोन 14। 10 अप्रैल को इंडिया T20 लीग का मैच है, बैंगलोर वर्सेस लखनऊ, तो इस मैच से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड करो माई 11 सर्किल ऐप को और अपनी टीम बनाओ। अब जी आप मेरे से पूछोगे कि माई 11 सर्किल ही क्यों,
तो भाई इस ऐप में कंपटीशन बहुत कम है, प्लस जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा। माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करने के बाद गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो एक ब्रांड न्यू आईफोन 14। और इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस मात्र ₹1, और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 10 अप्रैल के मैच के लिए ही वैलिड है, अपने सब्सक्राइबर और अपने लिंक से ही एक्टिवेट होगा। टूर्नामेंट के हर मैच डे पे मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो एक ब्रांड न्यू ऑडी A4 और साथ में पूरे ₹1 करोड़। और भाई इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फी जस्ट ₹49 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से जाके अभी डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड EXPLORE23 यूज करो, ताकि आपको मिलेगा आपके डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश, प्लस साथ ही साथ आपको मिलेगा ₹1500 का बोनस भी। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, अभी जाके लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप को और अपनी टीम बनाओ लखनऊ वर्सेस बैंगलोर मैच के लिए। ये गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है ना कि ये देखो, अभी मैंने आधी चढ़ाई और नीचे से भाई टच होते होते बची है। अगर मैंने पूरी चढ़ा दी होती ना तो ये तो पक्का नीचे से रगड़ जाती भाई। इसको बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है, मतलब एक बार हाईवे पे जाओ तब तो इसका कोई तोड़ नहीं है, बट ऐसे ना उबड़ खाबड़ या फिर ऐसे इंक्लाइन पे ना भाई बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब ये देखो कैसी है भाई, ऑलमोस्ट टच हो गई। ठीक है, ख्याल रखना, अपन चलते अंदर, चलो बाय। भाई ये है रावत की कचौड़ी, ये प्याज की कचौड़ी नहीं है? नहीं भाई, बताना कौन सी है। भाई इन्होंने मेरे लिए कुछ अलग मंगवा दिया यार, तेरा कट गया। प्याज की है ना? आलू प्याज होता है, आलू प्याज होता है ना। हाँ भाई आलू प्याज वाली कचौड़ी, दाल की भी आती है, दाल कचौड़ी भी आती है। ये बड़ी फेमस है ना यहाँ की। भाई काफी ज्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, बहुत मज़ा आया कचौड़ी खा के। अब यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी धूप है और ना अपने पास ना बहुत अलग अलग गाड़ियाँ आ जाई हुई हैं, बहुत अलग अलग, मतलब ये नहीं हमारी नहीं, ये अपने साथ है Q7, Audi Q7 ये वाली, और है GLS 400D, और है X7, मतलब बहुत सारी। हाय कैसे हो आप? बस बढ़िया। हाँ विकास दाहिल। हाँ जी हाँ जी, जयपुर से निकलते निकलते हमें इतना टाइम कभी भी नहीं लगा, बट यहाँ पे ना हम सारी गाड़ियाँ एक साथ लगा के ना एक चीज़ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं उसके लिए जगह खोज रहे हैं। तो अभी तो मैं तो फॉलो कर रहा हूँ एग्जैक्टली, हाँ यहाँ पे लग जाएगी ना सारी गाड़ियाँ एक साथ, ये है फील्ड मैदान। इन दोनों के सामने मेरी तो भाई ऐसा लग रहा है ना जैसे ज़मीन पर बैठा हूँ, और ये X7 भी आ गई भाई, ऐसा लग रहा है ना सीरियसली ज़मीन पर बैठा हूँ। सारी ऐसी लग रही है ना मक्खी की तरह इधर से उधर आगे पीछे करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि एक लाइन में उधर गाड़ी का पूरा लाइनअप लगे। भाई बहुत खूबसूरत लग रही है ना, बहुत खूबसूरत, सारी अलग अलग कंपनी, मर्सिडीज, लैंड रोवर, ऑडी, BMW, मतलब सारी लग्जरी वाली गाड़ियाँ, और सारी 7 सीटर, मेरी अपनी 2 सीटर, पीछे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, 2 सीटर ही है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये ऑडी Q7, ये अपनी X7 BMW की X7, ये अपनी GLS 400, ये अपनी प्यारी डिफेंडर, और ये हमारी छोटी सी। बट भाई देखो ये सारी की सारी ना बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियाँ हैं, बट भागने में तो भाई अगर हाईवे पे चढ़ गए, देखो हाईवे की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, हाँ नहीं भाई ये भागेगी सबसे तेज। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी, मेरे को पर्सनली अगर पूछा जाए 7 सीटर में तो मेरे को GLS सबसे सुंदर लग रही है। बाकी हम ही मानुष 2 मिनट में पलट गए भाई, GLS सच्ची में भाई सुंदर, कितनी भाई कितनी सुंदर है यार, बहुत यार प्रैक्टिकल। देखो आप जो हमारा काम है बेस्ट कार ये है, लेकिन जो हमारा जैसे हमारा जो हमारा ट्रैवलिंग का ही है, कितना कमीना है यार भाई, लेकिन मजाक से हट के यार गाड़ियां बहुत सुंदर लग रही है। भाई आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सी पसंद आई। बाकी अभी तो फोटो वोटो थोड़ा चल रहा है, यहाँ पे आ गए हम भाई, कितनी भाई तंदूरी, हाँ सीरियसली भाई कितनी ज्यादा गर्मी है ना, धूप भाई नहीं गर्मी नहीं है, तीखी धूप, तीखी धूप है जो चुभने वाली धूप होती है, यहाँ यहाँ बिल्कुल सही है भाई। रात के टाइम पे ना कल माहौल बहुत सही था, मौसम बहुत अच्छा था, बट अभी धूप में खड़े होना ना भाई, भाई अपने साथ जाएगी अपनी बैगवती ऐसे सीट बेल्ट के साथ, मैंने कहा अकेले अकेले ड्राइव करूंगा, इसके साथ बात करता रहूंगा, मजा आता रहेगा,
रास्ता अच्छा कटेगा। बाकी भाई लोग उधर अभी बात कर रहे हैं, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई यार इतनी अच्छा चलो आई गए, इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी। एक तो मेरे में डीजल सॉरी पेट्रोल भी नहीं है। यहाँ से निकलते निकलते भी 3:30 बज गए, अभी तो हमने रिफिलिंग किया नहीं है, अभी आगे जाके हाईवे के पहले कहीं पे रिफिल कर लेंगे। भाई मैंने तो गाड़ी का एसी ऑन ही रखा था, इतनी भाई ये गड्ढे बड़े फील होते हैं यार इसमें, ब्रेक मारना पड़ता है बम्पर सॉरी हम पर नहीं हम पे ऐसा बम्पर। अरे यार भैया पेट्रोल है ना फुल कर देना। भाई यहाँ पे पेट्रोल कितना महंगा है यार, 108 रुपए भाई बहुत ज्यादा, कहाँ दिखा रहा हूँ ये 109 रुपए है। नॉर्मल वाला डालना भैया, ये तो स्पीड लिखा है इस पे, स्पीड तो खुद चल लेती है भाई। ऑलमोस्ट 47-48 लीटर तो आई गया, मतलब था इसमें 60 लीटर का टैंक है इसका, तो अभी 12 लीटर था, इतना तो क्या ही चलेगा, 12 लीटर में क्या ही चलेगा भाई। अगर मेरे किसी भाई को पता है कि इस गाड़ी का विंडो शेड्स अवेलेबल है तो प्लीज यार कोई ऑनलाइन हो तो मेरे को लिंक विंक भेजना, ठीक है। भाई साहब जो अंदर तेज धूप आ रही है ना, एक तो थोड़े से ग्लासेस के टिंटेड होने चाहिए, मतलब थोड़ा सा ब्लैक करवा सकना चाहिए यार, और ना मतलब उस पर चलान देखो, अब है चलान तो है भाई, क्या ही किया जाए, चलान तो विंडो शेड्स पे भी है, चंडीगढ़ में आप विंडो शेड्स लगा के नहीं चला सकते। ओए तेरी ये कौन सा नया रास्ता आ गया भाई, जयपुर जाते वक्त टनल, आगरा वाला कोई रूट दिखा रहा था पता नहीं, वहां से 21 किलोमीटर तो इसी रास्ते में है, और ये अच्छा ये दोनों साइड नहीं है भाई, एक साइड से पूरा जाओ और आने वाला कुछ अलग होगा। मजेदार है भाई, पहली बार जयपुर पे टनल मिल रहा है, तो टनल मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया भाई, ये तो एक इको मोड पे भी इतनी तेज भागने लगती है यार, गलत है यार। सुबह से अभी तक ना हम इको प्रो मोड पे चल रहे हैं, मतलब 41 किलोमीटर कवर किया, जहां से हमने फ्यूल लिया था ना वहां पे हमने रीसेट कर दिया था, और देखो 41 किलोमीटर में गाड़ी ने जो हमें एवरेज दिया है 13.7 का एवरेज आ रहा है यार, मतलब इतना सही माइलेज, इतना सही माइलेज, और यही हम स्पोर्ट्स पे डालेंगे तो एवरेज ये गिर के 8 के करीब का आया था, जो हम जिस समय हम आए थे ना जयपुर, तो पूरा स्पोर्ट्स मोड पे लेके आए थे, इको और स्पोर्ट्स को मिक्स करके, मतलब सिटी में तो इको चला रहे थे और हाईवे पे पूरा स्पोर्ट्स मोड, तो उसमें 8 का एवरेज, तो मिला जुला के यार गाड़ी का एवरेज बहुत सही है। अब देखो ये प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है, प्रॉपर हम इस गाड़ी का एवरेज टेस्ट करेंगे किसी हाईवे पे ले जाके ही करेंगे, जहां पे हम टैंक टू टैंक का यू नो फ्यूल, मतलब वो एक्चुअली करेक्ट होगा। ये जो भी दिखा रहा है ना भाई बहुत सही दिखा रहा है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मतलब परफॉर्मेंस भी, एवरेज भी, इफिशियंसी भी, जो चीज निकालना है ना इस गाड़ी से वो आप निकाल सकते हो, परफेक्ट कार, परफेक्ट। देखो कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, वेंटिलेटेड सीट इसमें भी नहीं है। अभी तक ये गाड़ी हमसे आगे चल रही थी क्योंकि जाम में तो हम तो रोड से उतार नहीं सकते, भाई ने उतार उतार के साइड से आगे ले गया, लेकिन अब चढ़ गए हम नेशनल एक्सप्रेसवे 4 में और यहाँ से हम आगे चलेंगे। हाँ और यहाँ से क्रूज कंट्रोल पे नहीं, भाई को आगे चलने देंगे, भाई अपने को एवरेज निकालना है। हाँ 13.2 का आ गया, थोड़ा सा बीच में जाम लग गया था ना भाई, जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है ना वहाँ पे बहुत तेल पीती है। इस गाड़ी मैंने एक फंक्शन ऑन किया, गाड़ी से जैसे अभी गए हैं गाड़ी के पास है, तो गाड़ी खुली हुई है, चाबी मेरे हाथ में है, और जैसे ही मैं 4 मीटर से दूर जाता हूँ ना गाड़ी लॉक हो गई। ये देखो मतलब चाबी लेके आपको डोर खोलने की भी मतलब वो बटन वटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए, हाँ वॉशरूम यूज़ करेंगे, और करण को भूख लग रही थी, कहाँ है वो भूखा इंसान, मतलब सुसु भी करना था, चलो हम भी चलेंगे। अरे अब करूं अगर आपने ये डाला तो भाई यहाँ पे हमारा खाना हो गया। करण एक्चुअली कह रहा था कि उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई थी, पसीने पसीने आ गए, भाई कैमरे के सामने अच्छा लगना चाहिए, गरम 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 गरम। वहाँ पहले दिखा रहा था कि 7:30 बजे तक हम गुड़गांव पहुँच जाएंगे,
और अभी दिखा रहा है कि 9 बजे। भाई इतनी देर रुके ना, मतलब ऐसे पता है हमें कि भाई पूरा हाईवे का ही ट्रैवल है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसी हाईवे पे रहना है, खाने वाने के लिए ज्यादा कुछ ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो हमने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया। बाकी रात नहीं, रात अभी हुआ नहीं है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, फिर मजा आएगा यार। अंधेरे में ना थोड़ा सा ऐसे ठंडा ठंडा हो गया है, धूप वूप अब नहीं आ रही है तो अच्छा लग रहा है, और प्लस क्रूज कंट्रोल लगा दो। जो हेडसअप डिस्प्ले आपको दिखता है, हाँ दिख रहा है ना, अरे यार एक तो हाथ शेक हो रहा है, देखो आप दिख रहे हैं 106 पे क्रूज। भाई तो पहुंच लिए अपन गुड़गांव। अरे ये क्या सुन रही है शीरी, तू हमेशा सुनती रहती। 8 बजे पहुंच लिए भाई, बहुत मजा है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। एक भाई का कुछ हिसाब था, वो काफी टाइम से पेंडिंग था, तो मैंने कहा चलो उसको चुका के आते हैं, तभी वो चुकाने जाएंगे, शायद थोड़ा घर पहुंचने में लेट हो जाए। बाकी ठीक है यार, जर्नी बहुत मजेदार रही भाई, किसी का हिसाब नहीं रखना चाहिए ऐसा, जो भी हिसाब किताब रहना जल्दी से जल्दी क्लियर कर देना चाहिए, जितना जल्दी क्लियर। भाई भी रुका है, एक बार भाई से भी डिस्कस कर लेके भाई चलेगा हिसाब देने, मतलब उसको, या फिर मेरे को अकेले जाना है। भाई तो फिलहाल इस ट्रिप पे अपने को मिली फ्यूल इकोनॉमी 11.6 की, एक बार इसमें चेक करते हैं, रुको इसमें दिखाता हूं ना बड़े स्क्रीन पे, छोटे स्क्रीन पे नहीं भाई, बड़े स्क्रीन पे देखो। ये रहा जी अपना ट्रिप का 11.6 का एवरेज, मतलब ऑलमोस्ट 12 का एवरेज दिया, और 255 किलोमीटर हमने कवर किया, मतलब मजा आ गया भाई। 255 किलोमीटर में 12 का माइलेज, जबकि हमने ना इको मोड पे प्राइमरली, मैंने स्पोर्ट्स मोड एक या दो जगह लगाया था, और पूरे टाइम इको मोड पे थे। कभी कभी स्पीड बड़ा था, थोड़ा बहुत बड़ा था, मानता हूँ इको मोड पे भी ना थोड़ा बहुत स्पीड बड़ा था, अगर इसको सही से 100 के नीचे चलाता ना तो ये जो 11.6 है ना ये 13.6 के आसपास आता भाई, इसी तरह का आ रहा था, 13-14 का एवरेज भाई, 13-14 का एवरेज अगर अच्छे से चलाओ हाईवे पे, क्या माड़ा है यार। पेट्रोल इंजन 3 लीटर इनलाइन 6 ऑलमोस्ट 400 BHP निकाल रही है गाड़ी भाई, जबरदस्त परफॉर्मेंस भाई, मजा आ गया। एक कॉफी तो बनती है, अरे यार हाँ चलो बंद हो गया भाई, एक कॉफी तो बनती है, तो एक कॉफी उठा लिया यहाँ से। 2 दिन में ना हमने कॉफी का सेवन नहीं किया, 2 दिन गए थे, जिस दिन गए थे उस दिन एक कॉफी उठाई थी, उसके बाद आज कहा गुड़गांव से जयपुर में ना जो अपना रेंज बच रहा था फ्यूल का वो 125 से 123 बच रहा था, और कहा वापस जयपुर से आते वक्त जब हमने नॉर्मल चलाई तो देखो 350 किलोमीटर का रेंज बचा हुआ है, मतलब भाई साहब आपको जो चाहिए वो निकल जाएगा गाड़ी से, आपको फन चाहिए तो स्पोर्ट्स प्लस मोड पे डाल लो, आवाज चाहिए और भगाना है तो स्पोर्ट्स प्लस, और आपको अगर नॉर्मल इकोनॉमी, मतलब नॉर्मल इकोनॉमी बोले तो इको मोड पे अगर डाल लो तो भैया आपको फन के साथ उतना फन तो नहीं मिलेगा बट एवरेज बहुत अच्छा मिल जाएगा। बहुत ही अल्टीमेट मजा आया भाई इसको हाईवे पे ड्राइव करने में ना, ऐसे कितनी सुंदर लग रही है। लॉक हो गई, मैं दूर गया ना अपने आप ही लॉक हो गई, अभी सामने जाऊंगा तो अपने आप अनलॉक हो जाएगी, ये देखो अनलॉक हो गई भाई, ये वाला फीचर बहुत सही है। हाँ अगर जस्ट इन केस अगर लॉक नहीं भी करो तो अपने आप ही लॉक हो जाएगी। चलो अभी ऊपर चलते हैं। क्या ओए क्या ये क्या है? हाँ ठीक है, खेल रहा हूँ तेरे साथ। चलो गाइस करते इस वीडियो को यहीं पे खत्म, आज का दिन क्या मस्त था यार। वीडियो खत्म करते से पहले याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक है माई 11 सर्किल ऐप का, ऐप डाउनलोड करना मत भूलना ताकि आप जीत पाओ एक आईफोन 14 वो भी मात्र 1 रुपए में, प्लस आप जीत सकते हो एक ऑडी A4 कार और 1 करोड़ रुपए, प्लस 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट एंड 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस भी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है।